वेलकम। ये अभी आप कुसेरा का मशीन देख रहे हैं और इस टाइप का जो भी मशीन है उसका प्रिंट प्रॉब्लम जो होता है वो हम दिखाते हैं अभी, इसका प्रिंट प्रॉब्लम कितना गड़बड़ है। तो ये हम जीरोक्स का ऑर्डर दिए और इसको जब देखेंगे तो ये देखिए पेज पे पूरा ये डॉट डॉट सारा कुछ पेज पे बेकार सा छप गया। और इस पर यदि हम इंक और थोड़ा सा बढ़ा के डालते हैं देखिए ये पूरा आपको गड़बड़ पता चलेगा। हम इंक बढ़ा दिए और इसको हम प्रिंट करते हैं। ये देखिए कितना गड़बड़ ये प्रिंट हुआ, जो कि इसको पूरा प्लेन निकलना चाहिए। जबकि हम इसका चेक करें ये पेपर का, ये बिल्कुल क्लीन है, ये भी साफ सुथरा है, तो इस तरह से पूरा बेकार निकला है। तो इसको हम देखेंगे कैसे क्लियर होता है। इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये सब है आपका चार्जर का, जो होता है इस टाइप का चार्जर, ये आपका जब गड़बड़ होता है तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इसको हम देखेंगे सॉल्व करने के लिए कहाँ से क्या करते हैं। पहले इस प्रिंटर को हमें ऑफ करना होगा। प्रिंटर ऑफ कर दिए, उसके बाद आप यहाँ से इसको पहले ओपन कीजिएगा, आप ये डस्टबिन को हटा लीजिएगा। उसके बाद देखिए इससे आपको चार्जर कार्टेज को भी खोल लेना है यहाँ पे। उसके बाद आप राइट कवर को भी खोल लेंगे और यहाँ पे आपको एक नोट मिलेगा, इसे आपको खोलना होगा। ब्लेड को भी खोल के हटा लीजिए, इसके भी साफ कर, इससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है तो खोल करके आप कंटिन्यू साफ करते रहें। ये देखिए इस तरह से आप सिंपली इसको खोल पाएंगे और इसको पलट लेते हैं। ये देखिए ये ड्रम हो गया आपका और यहाँ पे आपका चार्जर लगा हुआ है, ठीक है। आपको इस चार्जर को चेंज करना है, हम आपको बताते हैं कैसे कैसे इसको अनलॉक करना है, उसको चेंज करना है। ये देखिए ड्रम पूरा अभी काला हो चुका है लेकिन अभी कुछ चलेगा, चूंकि ये अभी क्लीन है। तो ये ड्रम भी अगर आप 1 लाख पेज तक आप छापे होते हैं तो इसको भी चेंज कर दें तो इससे भी फर्क होता है। लेकिन अभी जो मेरा प्रॉब्लम है वो है ये चार्जर का प्रॉब्लम है। तो इसको यहाँ पे देखिए क्लिप दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इस क्लिप को पुश करना है, जैसे पुश कीजिएगा ये आराम से खुल जाएगा, ठीक। ये देखिए इसको खोल लिए मेरा, ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लाइनिंग लाइनिंग सा आ गया है, ये लाइनिंग नहीं होना चाहिए। इसको जब मूव करेंगे हम इस पर बहुत सारा डॉट आ चुका है, जैसे आप नज़दीक से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे धब्बा पड़ चुका है, यहाँ पे धब्बा पड़ चुका है। ये सब चीज़ आपका छापता है, यहाँ पे डॉट डॉट आ जाता है, सब कुछ ये ब्लर है। तो इसको आपको सिंपली चेंज करना है, तो हम दिखाते हैं किस तरह इसको हम चेंज करते हैं। तो ये हम एक नया परचेज किए हैं, हम वो दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये हम यही लोकल मार्केट से हमें अवेलेबल हो गया, तो आप ऑनलाइन भी इसको शॉपिंग कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। ये लोकल मार्केट में हमें 700 रुपये में मिल गया, 500 में भी आता है, लेकिन देखिएगा जो आपका जान पहचान अच्छा हो तो उसको बोलिएगा, जो हमें अच्छा वाला चाहिए तो आपको अपना समझ के कुछ अच्छा वाला दे दें, तो ये बेकार भी होता है। इस चीज़ ये चीज़ 700 रुपये तक का, 800 रुपये तक का मार्केट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से लेना है और इसको सिंपली चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम आपको बता रहे हैं,
इसको सिंपली इसको हटा लेना है। इसको सिंपली आपको रड को नहीं पकड़ना है, साइड से आप पकड़ेंगे इसको, ओपन करेंगे, पहले आप उसे खोल लेंगे तभी से अनबॉक्स करेंगे। तो हम इसको खोल के दिखाते हैं। ये साइड में जो क्लिप आप देख रहे हैं, आपको इस क्लिप को थोड़ा सा इस तरह से आपको फोल्ड करना है, आपका वो आराम से खुल जाएगा। इसको सिंपली आपको यहाँ पे ऐसे करके रखना है, थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको, और इसको ऐसे करके को निकाल लेना है। ये देखिए ये निकल चुका है। अब आपको इसको इस साइड से आप ऐसे धीरे से खींचेगा तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको चेंज करना होता है। इसको जब आप गौर से देखेंगे तो ये बहुत सारा लाइन पड़ चुका है, ये लाइन नहीं होना चाहिए, तो इसको हम चेंज करेंगे। अब लगा तो इसको हम निकालते हैं। इसे आप सावधानी से करेंगे, अगर गिर जाएगा, स्क्रैच लग जाएगा तो फिर से उस तरह का प्रॉब्लम आएगा। इसको सिंपली इस साइड से आप एंट्री कर देंगे यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे आप इसको रख करके पुश कर देंगे, दबाएंगे वो लग जाएगा। जैसे पुश करेंगे एक कट का आवाज़ आएगा, तो आपको समझ आना ही लग गया है। देखिए ये लग गया और ये देखिए पूरा चिकना आपको दिखेगा, कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। और इसे चेक करने के लिए साइड से आप इसको घुमाएंगे, इस पर थोड़ा बहुत प्रेस कर सकते हैं, तो ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट लग चुका है। अब हमको इसको फिर इसको इसमें डालना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा कचरा उचरा नहीं है, इसको साफ़ सुथरा कर दें, लेकिन ब्रश मारिएगा तो इसमें लगेगा, तो इसके चाहेगा तो इसके अगर साफ़ सुथरा है तो आपका ठीक है, नहीं तो कोई हल्का सा कपड़ा इस पर चला देंगे, नहीं तो ड्रम खोल करके भी आप साफ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इतना ही बता रहे हैं अभी आपको कैसे करना है। अब इसको लगाना थोड़ा केयरफुली आप रहिएगा, तो यहाँ पे लगाना भी बहुत आसान है, हम आपको दिखाते हैं लगा करके। देखिए इसका इस साइड का एक नोब देख रहे हैं, इस नोब को सिंपली यहाँ पे देखिए अटैच करने के लिए दिया हुआ है, इस जगह पे आपको यहाँ पे फंसाना है आपको, इस तरह से लगा दिए। और यहाँ आप देखिए इस साइड में इसको सिंपली यहाँ जा करके आपको अंदर की ओर दबाना है। देखिए लॉक यहाँ का फंसेगा, एक छोटा सा आवाज आएगा आपको, देखिए ये लॉक लग गया, ये अब लग चुका है। सिंपली है, बहुत आसानी से इसको लगा सकेंगे आप और चेंज कर सकेंगे। और इसे लगाने के बाद हम देखते हैं जो किस तरह का प्रिंट आता है, फिर अब इसको हम असेंबल करते हैं। ये लगाने के लिए भी ये इसका रेक टाइप से दिया हुआ है, इस पर रख करके आप इंसर्ट करेंगे तो वो बहुत सावधानी से लग जाता है, इसको ज़्यादा कुछ प्रेस करने का ज़रूरत नहीं। ये देखिए लग गया, हम जो क्लिप खोले थे उसे भी लगा देते हैं। फिर हम इस कार्टेज को देंगे। अब देखिए ये देखिए, अब देखिए इस पेज को देखिए और इस पेज को देखिए, अब आप इस दोनों पेज में अंतर समझ जाइए।
ये कितने का अंतर है, ये किस तरह का, इसमें कितना डॉट 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 था, ये सब वगैरह था, ये सब रीजन था आपका ये मैग्नेट का जो आपका ये खराब था। इसमें सब पे ऐसा ऐसा देखिए, ये जितना भी आप देख पा रहे होंगे, अगर उसमें समझ में आ रहा होगा तो देख पा रहे होंगे, ये सब लाइनिंग लाइनिंग जो था ये सब का है। और इसको यदि हम फिर से हम अगर डेंसिटी को हम प्लस करके भी एक बार देखें, 3 पॉइंट पे ले लिए हैं और फिर इसका जीरोक्स निकालता है, ये देखिए ये डॉट जितना भी था वो नहीं आया। और ये जो बाकी आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं, ये डिस्प्ले का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके डिस्प्ले में ये जो स्क्रेच वगैरह लग जाता है हाई डिस्टेंस पे जब भी वो स्कैन करता है तो इस तरह का आता है, लेकिन आप नॉर्मली जब करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को आप क्रिएट कर सकते हैं, बस ये सिंपल से अपने से लेना है, चेंज कर लेना है। अगर आप किसी इसके इंजीनियर को बुलाते हैं तो आपका फी बहुत हाई लेता है वो सब। तो आप बेशक आप इस वीडियो में समझ गए होंगे जो इस डॉट को कैसे क्लियर करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तक लिए जय हिंद।